दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का आवक का अपडेट देख लेते हैं। सभी जिंसों का कैसा है, लहसुन प्याज और सभी जिंसों का? प्याज तो लगभग वही आवक है, फुल आवक है, चल रही है, एक दिन की पेंडिंग रहती है मंडी गेट के बाहर। अभी भी वाहनों की लंबी कतार आज भी है, तो लगातार वाहनों की लंबी कतार गेट के बाहर जारी है। प्याज लगभग 12-13 हज़ार बोरी अंदर है और दो बाहर वाहनों की लंबी कतार है। किसमें प्याज है, किसमें लहसुन है, ये आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि एक एक वाहन नहीं देखा है। तो लगभग 12-15 हज़ार तो पक्की आवक है, 12 हज़ार के आसपास बिकता है, 12-13 हज़ार, बाकी 4-5 हज़ार तो रोज़ कल का माल पे आ जाता है अंदर और नई आवक आती है। लहसुन की बात करें तो लगभग 250 से 300 वाहन है। आज वाहनों की संख्या अंदर भी अच्छी है, 20 बोरी का एक वाहन माने 300 बोरी से तो 6000 बोरी, और लगभग छपरे में 500 बोरी से ज़्यादा नहीं है, 6500-7000 बोरी ज़्यादा से ज़्यादा, और वाहन बाहर खड़े में बहुत सारे के, तो मान के चलिए कम से कम 10000 बोरी आवक बनेगी। 4000 बोरी के आवक तो बाहर बहुत मामूली बात है, दिन तक भी आवक के बम्पर बनती है, कल भी दिन में और शाम तक आवक आई थी, तो कुल मिलाकर 10000 बोरी का ही मान रखिए आप। लहसुन की आवक आज भी 10000 बोरी है। इसके अलावा कलौंजी लगभग 500 बोरी के आसपास में है, इसबगोल लगभग 600 बोरी के आसपास में है, मेथी की आवक लगभग 1500 बोरी, धनिया की आवक लगभग 1000 बोरी। ये दोस्तों सब अभी 8 बजे की आवक है, इन सभी आवकों में इजाफा होगा, 100% होगा। इसके अलावा अजवाइन आवक लगभग 300 बोरी के आसपास, पोस्ता लगभग 150 बोरी के आसपास, तिल्ली लगभग 100 बोरी के आसपास में, रायड़े की आवक 300 बोरी की, अलसी की आवक 200 बोरी की, और दलहन में लगभग 300-400 बोरी के आसपास चना भी है, मान के चलिए 700-800 बोरी हो जाएगा, और उड़द की भी लगभग 300-400 बोरी है, जो 500 से ऊपर ही आवक बन जाएगी। दलहन के अलावा अनाज मंडी की बात करें, गेहूं की बात करें तो गेहूं लगभग 7000 बोरी के आसपास, 6500-7000 बोरी के आसपास गेहूं की आवक है, ज़्यादा नहीं है आज आवक, मगर आवक बढ़ सकती है क्योंकि बाहर वाहनों की लंबी कतार है। सिर्फ एक ही गेट, ये जो किलेश्वर वाला गेट है, इसी गेट पे जाम है, बाकी पे नहीं है। इसके अलावा मक्का की बात करें तो लगभग 2500 बोरी के आसपास मान के चलिए नई मक्का की आवक है। लगातार 2 दिनों से गिरावट चल रही है मक्का में, जो 3-4 दिन पहले मक्का में तूफानी तेज़ी आई थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि आवकों का प्रेशर लगातार बनता हुआ जा रहा है। इसके अलावा अश्वगंधा में भी आवक है, मूँगफली की आवक है, वही 5-6 हज़ार बोरी के आसपास में आई रही है कम से कम। सोयाबीन लगभग 6000-7000 बोरी हो जाएगी, 6000 बोरी के आसपास आवक है। तो कुल मिलाकर सभी जिंसों में आवकें अच्छी है, यही आवकें आपको लगातार दीपावली तक देखने को मिलेगी, और इस शनिवार को भी मंडी चालू रहेगी नीमच मंडी। लगातार पहले शनिवार को बंद था, मगर ये शनिवार मंडी चालू रहेगी, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखी जाए।